रॉक्स को देख के आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ से आई हैं? ये स्टोरी 4.5 बिलियन ईयर से पहले की है, जब डस्ट और गैसेस कलेक्ट होकर हमारी प्लेनेट को बनाने वाली रॉक्स में कन्वर्ट होना शुरू हुई। गैलेक्सीज में कई एलिमेंट्स से बनने वाली रॉक्स वास्तव में स्टार्स का हिस्सा हैं। रॉक्स और इन्हें बनाने वाले मिनरल्स हमें हमारे प्लेनेट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन्हें ध्यान से देखिए। एटम्स किसी भी मैटर की प्राइमरी यूनिट्स होते हैं। एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मिनरल्स बनते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जनरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज होते हैं। मिनरल्स सेमी मोल्टन रॉक मैग्मा से क्रिस्टलाइज होते हैं। जब मैग्मा ठंडा होकर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो ये इग्नियस रॉक बनाता है। ये रॉक तीन प्राइमरी रॉक्स इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में से एक है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है। ये अर्थ के कई कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है। स्लो कूलिंग होने की वजह से इनके क्रिस्टल्स बहुत बड़े होते हैं। वोल्केनो इरप्शन के समय लावा तेजी से ठंडा होकर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाता है जो बाद में एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादातर ओशन फ्लोर और मून बेसाल्ट रॉक से बना है। ये रॉक्स समय समय पर वेदरिंग इफेक्ट के कारण टूटती रहती हैं। इन रॉक्स के स्मॉल फ्रेगमेंट्स यानी छोटे छोटे टुकड़े लेक्स, रिवर्स और ओशन की तलछटी पे जमा होते रहते हैं। सेडिमेंट्स लेयर्स कॉम्पैक्ट और सीमेंट होकर लंबे समय के बाद सैंडस्टोन जैसी सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती हैं। लाइमस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। ये रॉक्स मरीन ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स यानी अवशेषों या सेडिमेंट्स में होने वाले केमिकल रिएक्शन से बनती हैं। लाइमस्टोन के फॉसिल्स यानी जीवाश्म अर्थ पे बहुत पहले होने वाले क्लाइमेट चेंज और लाइफ के एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति को सिद्ध करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके पैरों के नीचे की जमीन लगातार मूव कर रही है? डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और ओशनिक क्रस्ट में प्लेट टेक्टोनिक्स प्रोसेस के मुताबिक पुलिंग, पुशिंग और स्लाइडिंग होती है। ये प्रोसेस रॉक्स को हीट करने के साथ साथ स्क्वीज भी करती है, जिससे मिनरल्स रियलाइन या क्रिस्टलाइज होके मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। रूफ टाइल्स में यूज होने वाली स्लेट और मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। रॉक्स और मिनरल्स में होने वाले चेंजेस से हम उनके ओरिजिन को समझ सकते हैं। जियोलॉजिस्ट्स रॉक्स के साइज, शेप, कलर और उनमें मिनरल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई करते हैं। रॉक की कई लेयर्स इस तरह के सेक्शंस बनाती हैं। अनुभव इकट्ठा करके आप किसी रॉक सेक्शन को किसी हिस्ट्री की बुक की तरह पढ़ सकते हैं। यह आपको अर्थ के अरबों साल के शुरुआती इतिहास में ले जा सकती है।